ये पड़ा हुआ लकड़ी है, इसको कैसे लेना है अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो खेसारी लाल यादव से बेस्ट हमको नहीं लगता है कोई होगा। नहीं नहीं, ये हमेशा कुछ ना कुछ लिए रहते हैं, जैसे कभी कभी लकड़ी, तीर, हमेशा ये बुक रहते हैं उसके साथ। जैसे अभी ही देख लो आप, खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था फूल उड़ाऊ। अब हाई कोर्ट ने सख्त मना किया है कि आप किसी भी और म्यूजिक कंपनी के साथ गाना नहीं गा सकते हैं, लेकिन पता नहीं किस म्यूजिक कंपनी से ये गाना रिलीज कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? अब जैसे ही गाना आया, गाना डिलीट कर दिया गया। अब आपको लग रहा होगा गाना डिलीट हो गया, खेसारी लाल यादव को तो सजा मिल ही रहा है, अब क्या ही होगा, अब तो कुछ नहीं होगा। तो बाबू, ऐसा नहीं है। खेसारी लाल यादव ने जो गाना गा के गलती किया है उसको वकीली और लीगल भाषा में कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर इसको हमारे आपके भाषा में समझा जाए तो खेसारी भैया ने कहा है, आह कोर्ट का यहाँ वैल्यू है, हम तो अपने मर्जी से गाना ही गाएंगे, मतलब कोर्ट का वैल्यू नहीं करना, कोर्ट के फैसले का विश्वसनीयता को घटाना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, और ये खेसारी लाल यादव ने किया है। अब देखिए, खेसारी लाल यादव ने जो प्रॉपर गाना गा के गलती किया है उसको कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और इसमें बाबू सजा नहीं होता है ना। सिविल वाले मैटर में तो सजा ही नहीं होता है, इसमें पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी जानते हैं किस प्रकार की। अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन इस मामले को प्रकाश में लेके आता है और कहता है कि हुजूर आपके बातों को नहीं माना गया, खेसारी लाल यादव जबरदस्ती गाना गा रहे हैं, तो जानते हैं क्या होगा, हाई कोर्ट खेसारी लाल यादव के पास नोटिस भेजेगी और कारण पूछेगी कि आपने इस गाना गाने की किस तरीके से जुर्रत कर दी जब हमने मना किया था। तो खेसारी लाल यादव के पास दो ऑप्शन बचेगा। सबसे पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर देना होगा जिसमें हाई कोर्ट के जज ने कहा होगा कि आप गाना गाने के लिए स्वतंत्र हैं, और दूसरे नंबर पे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अगर उनको परमिशन दिया होगा कि आप गाना गा सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, कोर्ट कहेगी चलिए ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई भी खेसारी लाल यादव के पास नहीं होता है तो जज साहब चाहे तो खेसारी लाल यादव को 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए म्यूजिक से बैन कर सकते हैं, या फिर उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया है जिसके लिए आपको 10 साल गाना गाने से बैन किया जाता है। दोस्तों, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि खेसारी लाल यादव का लीगल टीम है कि बुक्का बैठा के रखे हैं वहाँ पे। मतलब आपको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जब कोर्ट का ऑर्डर है तो हम कोर्ट से जा रहे हैं पंगा लेने गाने को रिलीज करके। कोई आदमी के पास उतना ताकत नहीं हो सकता जितना कोर्ट के पास होता है। कोर्ट से सब डरते हैं, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके एक आम इंसान तक। खेसारी लाल यादव के ब्रांड वैल्यू का धजिया उड़ा के रख दिए इनके लीगल टीम। मतलब खेसारी लाल यादव का कोई औकात ही नहीं है, ऐसा साबित कर देना चाहते हैं ये लोग। मतलब गाना आया, आज डिलीट हो गया, क्या मतलब खेसारी लाल यादव का कोई वैल्यू है? खेसारी लाल यादव की टीम सोचती है कि चलो इस बार गाना बहुत बड़े म्यूजिक कंपनी से लाते हैं, और उस म्यूजिक कंपनी का लिंक जो होता है वो इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी के साथ होता है, और ये कहते हैं कि इस बार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अगर स्ट्राइक या फिर गाना ब्लॉक करता है तो हम लोग तो इंटरनेशनल के साथ गाना लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारा तो चुटकी में डिजिटल संभाल लेगा और उस गाने को डिलीट नहीं होने देगा। ऐसा खेसारी लाल यादव टीम और म्यूजिक कंपनी को लगता है, क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का क्या औकात है, ये इंडिया भर में नहीं, हम तो इंटरनेशनल से गाना लेके आ रहे हैं। ये लोग शेर बनना चाहते थे, लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो है वो सवा शेर बन के सामने आया और अपना ध्रुव गायिका फेंका और पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बता दिया कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का पेरेंट कंपनी जो है वो वार्नर म्यूजिक है, जो कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट म्यूजिक कंपनी इन द वर्ल्ड, मतलब इस पूरे धरती का तीसरा सबसे बड़ा कंपनी जो है वो वार्नर म्यूजिक है। और यहाँ पे फालतू अलग पड़ी लकड़ी जिससे खेसारी लाल यादव का कोई वास्ता नहीं था उसको उठा के ले लेते हैं, और फोकट का जो म्यूजिक कंपनी के साथ उनका गाना आया रहता है उस म्यूजिक कंपनी पे भी एक स्ट्राइक मरवा देते हैं। और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि हर बाप का एक बाप होता है और उस बाप को कोर्ट कहते हैं, और कोर्ट ने कहा है कि बाबू आपको गाना नहीं गाना है, मतलब छोटी सी बात है, आपको गाना नहीं गाना है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। खैर, हम भगवान से कामना करते हैं कि खेसारी लाल यादव को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और ये सब पेच पचड़ा जल्दी से ठीक हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।